हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑटो ऑटो अपडेट बंद कर सकते हो, क्योंकि ये आपके जैसे कंपनी एनवायरनमेंट में और भी कोई जैसे यूज कर रहा है, उसको कोई काम कर रहा हो इम्पोर्टेड है, उसमें ये अपडेट आ जाते हैं, तो फिर वो लैपटॉप अपडेट ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो उसको आप कैसे बंद करो, क्योंकि आप उस समय आपको बहुत इरिटेशन हो जाता है ये, क्योंकि ये यार कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद टाइम लगता है, आधे घंटे 45 मिनट ऐसे लगते हैं उसमें टाइम। तो इसको आप कैसे बंद कर सकते हो, चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसको बंद कर सकते हो। एडिट ग्रुप पॉलिसी, यहाँ गए, इसको किए, इसको फुल कर लेते हैं तो ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे गए एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, एंड इसमें गए विंडोज़ कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो अपडेट कहाँ पे है, विंडो अपडेट, यहाँ पे गए और ये देखिए, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, इसको डबल क्लिक किए और यहाँ इनेबल कर दिए। इनेबल करने के बाद इसको करिए यहाँ पे नोटिफाई टू इंस्टॉल और नोटिफाई टू रिस्टार्ट, ये ऐसे कर दिए। फिर उसके बाद इसको क्लिक किए, यहाँ ओके अप्लाई किए, ओके कर दिए। फिर ये जब आप चाहोगे तभी ये होगा, जब उसमें आएगा ऑटोमेटिक, जब भी अपडेट मांगेगा सिस्टम आपका तो वो एक पॉपअप आएगा। उसके बाद जब आप क्लिक करोगे, जब आप चाहोगे उसको टाइम दोगे कि हाँ इस टाइम करना है अपडेट, तो उसी टाइम वो अपडेट होगा। आपको ये काम करने में बार बार के झंझट, ये आपके इरिटेशन वो हट जाएगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो ये अपडेशन, ये आपका तरीका, ये मुझे बताने का तरीका, तो आप कृपया मुझे मेरे लाइक इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।